गाड़ी बहुत गंदगी पड़ी है। What's good everybody and welcome back to my channel, Simanshu here. तो आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होगी। आज मैं थोड़ा व्लॉग स्टाइल कर रहा हूँ और मैं H&M और ज़ारा जा रहा हूँ, क्योंकि चंडीगढ़ में H&M नहीं है तो मुझे मोहाली जाना पड़ेगा और मोहाली में मैंने सुना है कि ज़ारा बंद हो चुका है। तो जैसा भी रहेगा मैं आपको बता दूंगा, हो सकता है ये दो डेज में डिवाइड हो, मैं एक ही वीडियो में दोनों डेज का कवर कर दूंगा। तो जैसा भी रहेगा देखते हैं। और सेल आइटम और नॉन सेल आइटम्स दोनों मैं देख रहा हूँ कि जो भी मुझे मिलेगा मैं ले लूंगा। मेरा कोई अभी दिमाग में ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर आइटम है दिमाग में कि वही लेनी है, तो जैसा भी होगा दिखा दूंगा मैं आपको। तो चलिए अब देखते हैं कैसा रहेगा एक्सपीरियंस। ये जो आप ऊपर देख रहे हो ये कैमरास हैं और सेंसर्स हैं इसमें। वैसे बोलता मैं ये आउटफिट ऑफ द डे। मैं ये ले रहा हूँ, देखते हैं खर्चा के। जैसा बोला था ज़ारा बंद है तो देखते हैं कि क्या होगा। अब शायद कल जाना पड़ेगा ज़ारा इलांटे। अगर आप कैमरा देख रहे हो MRP 43 है और मिल रहा 55 का है, तो ये बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, ले लो आगे। हर जगह एक ही चीज़ है। तो मैं घर आ गया था और मैंने काफ़ी सारी आइटम्स ऑनलाइन भी मंगवा ली हैं। मैं जब स्टोर में था वहाँ से घर से निकलने से पहले मैं काफ़ी सारी आइटम्स सिलेक्ट करके गया था कि मुझे अगर स्टोर में दिखी तो मैं ले लूँगा। और जब मैं वहाँ पहुँचा मुझे एक आइटम नहीं दिखी जो मैंने ऑनलाइन सिलेक्ट की थी, तो मैंने वहाँ से जितना हो सका था मैंने उठा लिया सामान। तो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी मैं जो सामान लेके आया हूँ। मैं इसकी डिटेल वीडियो अलग से बना दूंगा जो मैंने शू खरीदे उसकी। अगर आपको कोई भी आइटम पसंद आई है आप नीचे बता सकते हो कि आप क्या आइटम पसंद आई है, या आपने इस सेल में कुछ खरीदा है तो आप उसके बारे में भी बता सकते हो मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके। तो देखते हैं कि कैसे। तो ये हैं वो सारी आइटम्स जो मैंने ज़ारा और H&M की सेल से खरीदी हैं। तो स्टार्ट करते हैं हुडी से। मैंने दो हुडीज़ खरीदी हैं, ये H&M से खरीदी हैं। ये वाली थी 1500 की, 1499 की। मुझे मैंने इसके लिए पे किया था शायद 899, मुझे याद नहीं, हाँ 899 ही किया। और ये वाली भी थी 1500 की, तो इसमें मेरे को 150 का डिस्काउंट मिला, तो ये पड़ी 1350 की। बस थोड़ा साइज़ का डिफरेंस है, ये साइज़ मीडियम लिया है मैंने इसमें। देख सकते हो मीडियम, यहाँ से दिखा देता हूँ मीडियम साइज़। तो ये मेरे को काफ़ी अच्छी फिट हो रही है ये वाली हुडी।
ये मैंने साइज स्मॉल ले लिया, मैंने गलती कर दी। सोच रहा हूँ कि अगर मुझे इसमें रिटर्न हो जाएगा तो मैं इसको रिटर्न करके साइज मीडियम मंगवा लूँगा। ये साइज स्मॉल है जैसा आप देख सकते हो, तो ये साइज स्मॉल है, पर मैं एडजस्ट कर लूँगा अगर मुझे नहीं मिला मीडियम साइज़ तो, शायद अवेलेबल है देख लूँगा मैं बाद में। और ये मैंने H&M की कार्डिन ख़रीदा है, ये भी साइज स्मॉल है और ये बैगी फिट में है, तो ये मेरे को सही आ रही है। 170 सेंटीमीटर जिसकी हाइट है, मतलब 5'7" जिसकी हाइट है उसको ये आएगी, पर मेरी 5'8" के अराउंड है तो मुझे आ रही है ये ठीक, और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये वुलन मटेरियल नहीं है, ये कॉटन है, नीटवेयर में था ये, तो मैंने ले लिया। काफ़ी अच्छी फिटिंग है इसकी बैगी। और मैंने ज़ारा से चेल्सी बूट्स ख़रीदे, चंकी चेल्सी बूट, साइज़ 41 है इसका, देख सकते हो साइज़ 41। और इसके लिए मैंने पे किया था 1800 के अराउंड, मुझे याद नहीं है। अब H&M का तो इतना मैंने ख़रीदा है, अब मैं आपको दिखाता हूँ ज़ारा से जो मैंने ख़रीदा है। जो सबसे क्रेजीस्ट डील मुझे मिली है वो है इसकी, ज़ारा की शू की। इसका प्राइस टैग कहाँ गया, ये रहा 2300 का, मतलब 2290 का है, पर मैंने इसके लिए पे किया था सिर्फ और सिर्फ 790 रुपीज़। तो इसमें दो कलर्स और थे, शायद ब्लैक था या फिर ग्रे था और एक वाइट था। और इसमें साइज़ मैंने लिया है साइज़ 40, क्योंकि ये काफ़ी अंदर इसके रूम है शू के, तो मैंने जो साइज़ मुझे मिला, क्योंकि 41 था नहीं तो मैंने 40 ही ले लिया। और इसमें क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, मैं इसका डिटेल रिव्यू दे दूंगा आपको बाद में किसी दूसरी वीडियो में, तो इसका मैं पक्का दे दूंगा और इसका मैं पक्का दे दूंगा, बाकी इसका मैं शायद कभी आउटफिट में दिखा दूं पहन के। तो नेक्स्ट आइटम में बढ़ते हैं, वो है ये वॉलेट। मैं वॉलेट ज़्यादा कैरी नहीं करता हूँ, पर मैंने ये ले लिया क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा डिज़ाइन था इसमें, मतलब ज़्यादा स्टिचिंग वगैरह नहीं यूज़ की हुई है, बस यहाँ पे ब्रांडिंग है। और मैं वॉलेट कैरी भी नहीं करता हूँ, और क्योंकि मैं कार्ड होल्डर ही यूज़ करता हूँ, तो मैंने सोचा चलो एक बार ले ही लेते हैं, पता नहीं मैं कितना यूज़ करूँगा इसको। रबराइज मटीरियल है और इसके लिए मैंने पे किया था शायद 599, तो ये भी सेल पे मिल गया था मुझे। शायद इसका प्राइस था, हाँ 890 का था, मैंने 599 पे किया था। तो ये ब्लैक वॉलेट है, रबराइज मटीरियल। और जो लास्ट आइटम है मेरे पास अभी फ़िलहाल, वो है ये EDT, आप देख सकते हो ये EDT है, सोल वेरिएंट है इसमें, काफ़ी अलग अलग सिटीज़ के थे यही वाले परफ्यूम के वेरिएंट में, तो इसमें कोई सेल नहीं थी, प्राइस देख सकते हो 990 ही पे किया मैंने। और बॉटल का डिज़ाइन भी मिनिमलिस्टिक है, कुछ ज़्यादा फैंसी नहीं है, बॉटल क्लियर बॉटल है। और इसमें टेंट मिल जाएगा ब्लू का आपको, थोड़ा सा शायद कैमरा में दिख रहा है नहीं दिख रहा मुझे पता नहीं, यहाँ पे इसका वही वेरिएंट लिखा सिटी का सोल, और तो कुछ नहीं है इसमें। और इसमें यहाँ पे हाँ, मैंने ये वहाँ पे जब स्टोर में वेयर करके देखा था तब मुझे सही लगा ये टॉप नोट, टेंजरीन पेपर और नटमैग, मेरे को यही वाली वहाँ पे फ्रेग्रेंस आ रही थी, तो मैंने इसकी बेस भी ले ली है, क्योंकि बेस नोट और हार्ट नोट, जो मतलब बीच वाला हार्ट नोट और नीचे वाला बेस नोट है, इसका मैं वेट नहीं कर पाया इतना, तो पता नहीं मैंने अभी ज़्यादा लगा के भी नहीं देखा ये, तो मुझे पता नहीं कैसा रहेगा ये, पर टॉप नोट तो सही थे इसके, तो इसलिए मैंने ले लिया। और मैं किसी दिन परफ्यूम्स की वीडियो डिटेल में बना दूंगा, जिसमें मैं अलग अलग अपने परफ्यूम्स दिखा दूंगा आपको, और कहाँ से आप कैसे परफ्यूम्स ले सकते हो। मैं हमेशा बोलता हूँ दो चीज़ें कभी भी फेक मत लो, एक परफ्यूम, दूसरा गैजेट्स वगैरह, जैसे आपको ये इंस्टाग्राम पेजेस, वॉचेस, एयरपॉड्स ये देते हैं, ये मत खरीदो, ये बहुत रिस्की रहता है। और जो स्किन में आपकी चीज़ लग रही है उसको भी आप नकली मत खरीदो, तो वही ज़्यादा सही है, शू में चल जाता है। तो शू मैंने जितने भी ख़रीदे हैं आज तक यूनिवर्स से, मतलब इंस्टाग्राम पेज से जितने भी मैंने ख़रीदे हैं, उसमें से मुझे लगता है अगर मैंने 50 ख़रीदे हैं तो मैंने मुश्किल से 2 शूज़ ही हैं जो मैंने पहने होंगे, बाकी सारे मेरे वैसे के वैसे ही ब्रांड न्यू पड़े हैं। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी उनको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं बची है ज़्यादा शूज़ ख़रीदने की, तो मैं यही पहनता हूँ शूज़, या तो फिर चेल्सी बूट आप देख सकते हो साइड में पड़ा हुआ ये, मैं ये पहनता हूँ ज़्यादा, या फिर मेरे पास एयर मैक्स पड़ा है मैं वो पहनता हूँ, या वैंस ही पहनता हूँ मैं ज़्यादा, तो बाकी जो दूसरे मेरे रैप्लिकाज उनको मैं पहनता ही नहीं, मैं हाथ भी नहीं लगाता उनको ज़्यादा, बस उनको आउटफिट्स के साथ आपको दिखाने के लिए मैं किसी वीडियो में शो कर देता हूँ, ज़्यादा ज़्यादा बस इतना ही पहनता हूँ, पर मैं बाहर नहीं पहन के जाता वो। तो अगर किसी को चाहिए, मेरे पास काफ़ी सारे शूज़ पड़े हैं, तो आप मेरे को DM कर दो या कॉमेंट सेक्शन में जाके पूछ लो कि अवेलेबल है वो शू। आप मेरी पिछली वीडियोज़ देख सकते हो, ऑलमोस्ट सारे शूज़ ही अवेलेबल होंगे मेरे पास, तो अगर किसी को चाहिए तो आप बता दो, मैं आपको भेज दूँगा। साइज़
का है ऐसा 40, 41, 42, ये तीन साइजेस पड़े मेरे पास कुछ कुछ शूज़ के, कुछ के 40 हैं, कुछ के 41 और कुछ के 42, पर ज़्यादातर शूज़ मेरे पास 41 साइज के ही हैं। तो आप बता दीजिएगा मुझे किसी को। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मतलब ये ब्लॉगिंग स्टाइल पसंद आया हो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। अगर आपको नहीं पसंद आया तो मैं पहले जैसे ही करने की कोशिश करूँगा, आप मेरे को बता दीजिए कमेंट सेक्शन में जाके, और मैं आपको बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। मेरे को बहुत तेज़ नींद आ रही है अभी, मैं चलता हूँ। ऑलराइट बाय, टेक केयर, पीस।